हे गाइस, आज हम लोग आए हैं सफारी पार्क और यहाँ पे एक नया पार्क भी खुला है जिसका नाम है डाइनो सफारी पार्क। और यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स हैं, अलग अलग किस्म के और बहुत प्यारे प्यारे। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि इसमें से बेबी निकल रहा था, डाइनो बेबी एग में से हैच होके, और ये बहुत ही रियलिस्टिक और ना ख़तरनाक भी लग रहा था और बहुत अच्छा था ये। और ये डायनासोर भी बहुत रियलिस्टिक था। यहाँ पे सारे डायनासोर्स बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, मतलब रियलिस्टिक तौर पे हिल रहे थे। उनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे एक डक पाउंड भी था, वहाँ पे बहुत सारी डक्स थी और वो एक दूसरे के पीछे पीछे तैर रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी मुझे। और ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी डक्स थी यहाँ पे, हर कलर की। ये यहाँ का सबसे लंबा डायनासोर है और ये भी बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक रियलिस्टिक डायनासोर्स थे। ये मुझे इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगा क्योंकि इसके ऊपर जो स्ट्रिंग लटक रही थी वो साफ साफ दिख रही थी इस वजह से। और ये सबसे बड़ा यहाँ का सबसे ख़तरनाक डायनासोर था यहाँ का, और मुझे इससे डर लग रहा था कि कहीं ये ज़िंदा ना हो जाए। ये भी दूसरा एक लंबा डायनासोर है लेकिन इतना लंबा नहीं था। ये भी बहुत क्यूट से डायनासोर है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डायनासोर्स थे और ये सब ऐसे हिल रहे थे जैसे रियल हो, और मुझे बहुत डर लग रहा था। इनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इस डायनासोर पे मुझे बहुत हंसी आई थी क्योंकि ऐसा लग रहा था इसने अपने आगे के दांत निकाले हुए। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि इसके पीछे वाले दांत गायब थे। इस डायनासोर का नाम मुझे पता तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे गए। ये बहुत लंबी जगह थी और यहाँ की टिकट सिर्फ 100 रुपीज़ थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया था यहाँ पे, और इनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी। और एक और चीज़ के ना, इनके जैसे पेट हिल रहे थे, जैसे सांस लेते हुए किसी इंसान के या जानवर के हिलते हैं, तो ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। और इसको मुझे शूट करने में पूरा झुकना पड़ा था क्योंकि पूरा आ नहीं रहा था। बहुत अच्छी जगह थी और यहाँ पे एक अलग से इसका सेक्शन बना हुआ था कि जैसे आप टिकट लें और फिर अंदर जाएं और ना इंजॉय करें। ये भी बहुत प्यारी प्यारी डक्स थी, और डक्स को मुझे तो लग रहा था कि उनको भूख लग रही थी, बट आई डोंट नो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लेक टाइप बनी हुई थी जहाँ पे बहुत सारी हर किस्म की डक्स थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और सामने भी एक आइलैंड टाइप बना हुआ था जहाँ पे एक घर था, और वो भी बहुत प्यारा था। यहाँ पे हम लोगों ने इनके साथ थोड़ा एंजॉय किया, खेला, इनको खाना वाना दिया, पॉपकॉर्न, चिप्स वगैरह, और ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खा रही थी। ये भी डक बहुत क्यूट थी, मैंने इसको हाथ लगाने की कोशिश की लेकिन ये काट रही थी तो मुझे थोड़ा डर लगा। और ये डक देखें कैसे देख रही मुझे। और यहाँ पे एक और डक थी, ये वाली, जिसमें आँखों में कुछ रेड रेड सा था, हो सकता है ये इसी का कुछ काइंड हो। और ना ये डक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी। ये पेलिकन डक है और इसको आप देख सकते हैं कि ये खाना कैसे खा रही है। इसकी चोंच के नीचे एक ना सेक्शन टाइप होता है जहाँ पे ये मछलियाँ पकड़ के खुद खाती है पानी के साथ। और इसकी आंखें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, और ऐसा लग रहा था कि ये अभी मुझ पर हमला कर देगी और मुझे खा देगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रही थी और इसकी चोंच भी बहुत लंबी थी। मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और फिर जब उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो इसने यू टर्न मारा और ये वापस अपने घर चली गई। यहाँ पे एक और प्यारी सी डक थी, बहुत मतलब पूरी लेक में सिर्फ एक ही ऐसी डक थी शायद, क्योंकि मैंने एक ही देखी थी। और ये बहुत प्यारी थी, गोल्डन ब्लैक टाइप। इसकी किस्म मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। फिर हम लोग एक ब्रिज टाइप पे गए, और यहाँ का ज़्यादातर एरिया सुनसान जंगल टाइप था लेकिन मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा नेचर में भी जाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, और सामने मेरी फैमिली है।
और यहाँ पे बहुत सारी मैना, कौवे, चिड़िया सब थी और बहुत प्यारी प्यारी सब यहाँ पर। फिर हम यहाँ के राइड्स वाले एरिया में गए और अंदर का एरिया बहुत कलरफुल और प्यारा प्यारा था। यहाँ पे सारी बच्चों की चीज़ें भी थी, कैरम भी था, एयर हॉकी वगैरह सब था। और ना मैंने राइड्स की शूटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि राइड्स में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। फिर हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन में भी बहुत मज़ा आया था। ट्रेन में भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उसने तकरीबन पूरे पार्क की हमें सैर कराई थी। ज़्यादातर एरिया सुनसान था, दरख्त, फुटपाथ टाइप जैसे रोड होता है, लेकिन मज़ा आया ट्रेन में बैठने में। सुकून से बैठे हुए थे हम लोग, इंजॉय कर रहे थे, हवा आ रही थी, सुकून मिल रहा था। और यहाँ से एक और ट्रेन गुजरते हुए हमारे सामने से गई बड़ी स्पीड से। फिर हम लोग ने बोला कि हम लोग यहाँ पे राइट्स वाले एरिया पे ही रुक जाते हैं डायरेक्ट, ताकि हम अंदर जाके दोबारा से राइड्स करें। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसको बोला कि ट्रेन वाले अंकल को बोला कि हमें रोक दें, फिर उन्होंने हमें रोक दिया था। फिर हम उतर के अंदर चले गए थे। फिर हम लोग बैठे रोलर कोस्टर में और रोलर कोस्टर शुरू में तो बहुत मज़े की लग रही थी, मतलब हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी। सिर्फ मैं और मेरी भांजी बैठे थे मीरब। और फिर जब ये ऊपर गई और फिर ऊपर के बाद ये थोड़ा सा ना जैसे हिली ऊपर नीचे ऐसे हो गए। फिर जब ये नीचे गई है तो बहुत ज़्यादा डर लगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ना डर बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा डरे हम तो। और मेरी भांजी मीरा वो तो बहुत ज़्यादा ही डरी, वो तो रोना शुरू हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उसको मैंने चुप कराया। उसके बाद हमें भूख लग गई तो हमने बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली और आइसक्रीम भी खाई। फिर मीरा अपने राइड में बैठी थी एलिफेंट वाली, और ये भी बहुत क्यूट थी, मतलब एलिफेंट जिसमें बहुत क्यूट थे। और ना ऊपर नीचे होती थी, ये झूला ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और बहुत प्यारी राइड थी ये भी। फिर मीरा स्पीडवे में बैठी, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी स्पीड वाला नहीं लगा क्योंकि बहुत छोटे बच्चों का था और इसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इसका नाम स्पीडवे था। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम बम्पिंग राइड्स में बैठे हैं, और बम्पिंग राइड्स में बहुत मज़ा आया। हमने एक दूसरे को टक्करें मारी और ना एक दूसरे से बच्चे, और ना दो तीन बार तो मुझे इतनी बुरी टक्कर लगी है कि ना मेरा हाथ मतलब सुन हो गया था, उसमें झटका आ गया था, इतनी ज़ोर से टक्कर लगी। मैंने मम्मा को दे दिया था फ़ोन रिकॉर्डिंग करने के लिए, पता नहीं कैसी बनी थी मुझे उस वक्त, लेकिन सही है, इतनी अच्छी नहीं है ना इतनी बुरी है, बस ये है कि मैं शो नहीं हो रही, ये सही है। उसके बाद हम लोग ऐसे ही यहाँ वहाँ टहलने लगे, और यहाँ पे रोड्स रात के वक्त तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे थे और सुनसान लग रहे थे कि ना एक तरीके से डर ही लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा खाली रोड है, क्यों ना रेस हो जाए, तो मैंने और मीरब ने रेस की, और उसके बाद वो थक गई बीच में। खाली रोड पे भागने में बहुत मज़ा आ रहा था तो मैं भागती रही और वो पीछे रह गई। फिर उसके बाद मैं भी रुक गई थी। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉन्टेड एरिया टाइप लग रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ पे आराम से कोई मूवी शूटिंग कर सकता है, और हो सकता है यहाँ पे मूवी शूटिंग हुई भी हो। और यहाँ पे एक केबिन टाइप था जो कि बहुत ही हॉरर लग रहा था। ऐसा लग रहा था अभी कोई वहाँ से निकल के आएगा और ना हम पे हमला कर देगा, क्योंकि बहुत ही आइसोलेटेड लग रहा था वो। और यहाँ के रोड, ओ माई गॉड, ब्लैक आउट, कोई लाइट वगैरह नहीं थी यहाँ पे, और ना
बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हम इसी अंधेरे में से गुजर के आगे गए और फिर हमें उम्मीद की रोशनी दिखी, जो कि था आइसक्रीम स्टॉल। फिर इसके बाद हम लोग और आगे गए तो फिर हमें बाकी रौनकें भी दिखी, जो कि पार्क था जहाँ से हम ट्रेन में बैठे थे। फिर उसके बाद हम घर चले गए और मैंने रोड की वीडियो बनाई। यहाँ पे ट्रैफिक था, मतलब इतना भी नहीं था, सही था, और यहाँ पे कार्स बहुत प्यारी प्यारी थी। और हम लोग घर जा रहे थे, फिर उतने में हमें लग गई भूख। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट चलें। फिर हम लोग ऐसे ही रोड पर घूमते रहे और फिर उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। उसके बाद हम लोग आ गए रेस्टोरेंट और यहाँ पे इतनी तेज़ हमें भूख लग रही थी ना कि हम लोगों ने बोला बस जल्दी जल्दी बैठ जाओ। फिर मैंने थोड़ा सा पानी पे गुजारा किया क्योंकि हमने ऑर्डर किया था और ऑर्डर आ नहीं रहा था, तो सबके सब बैठ के वेट कर रहे थे कि जल्दी से आ जाए। फिर फाइनली ऑर्डर आ गया, उसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था और ऐसा लग रहा था हमने पता नहीं कितने सदियों से खाना नहीं खाया है। और ये बिरयानी आप ही ने मंगाई थी और ये मेरा आ गया जलफ्रेडो, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था ये और बहुत सारा लग रहा था मुझे तो। ये मम्मा ने मंगाए थे सीख कबाब और मीरब ने मंगाई थी निहारी, जो कि बहुत मज़े की थी। और ये लोग देखने में तो बहुत मज़े का था, साथ साथ खाने में भी बहुत मज़े का था और ये बहुत सारा था। फिर मैंने खा लिया इसको, बहुत ज़्यादा मज़े का था और इतना सारा बचा भी था क्योंकि मुझसे तो नहीं खाया गया। और इसको देखें, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक होने के बावजूद ये पानी पी रही है, आई डोंट नो व्हाई। वेल, हमें बहुत मज़ा आया, हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, तो हम लोग पेमेंट करके यहाँ से निकल गए। और यहाँ का एरिया भी बहुत प्यारा था, मतलब अंदर का रेस्टोरेंट लुक बहुत प्यारा था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।